A copper wire of resistance 5 ohm is stretched to reduce its diameter to half of its initial value. Calculate its new resistance. तो एक वायर तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कॉपर वायर, इसका कुछ डायमीटर है, कुछ लेंथ है, और इसको स्ट्रेच करने के बाद हमें जो वायर मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ये भी उसी वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, मतलब ये भी कॉपर वायर है, स्ट्रेच करके हमने इसके डायमीटर को हाफ़ कर दिया है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने से उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है और लेंथ बढ़ती चली जाती है। ओके, इमेजिन करना है तो आप एक रबर बैंड अपने हाथ में ले लो, उस रबर बैंड की आप देख लो थिकनेस क्या है और लेंथ क्या है। अब उस रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो, तो जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो आप देखोगे उसकी लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन थिकनेस लगातार कम होती चली जा रही है। सेम वायर में भी होता है, जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और थिकनेस को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बोला गया है कि उसका डायमीटर इनिशियल वैल्यू का हाफ़ हो गया है, मतलब अगर मैं फ़र्स्ट केस में डायमीटर को मान लूँ 2R, तो सेकेंड केस में जो डायमीटर है ये R है, मतलब पहले वाले का हाफ़ है। तो आप डायमीटर को बढ़ाओ या कम करो, ऐसा करने से वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो वायर का वॉल्यूम है ना, ये वायर का वॉल्यूम दोनों जगह सेम रहता है, जितना वायर का वॉल्यूम यहाँ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो मैं वॉल्यूम की हेल्प से पता कर लेता हूँ कि लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। डायमीटर का पता असर साफ दिख रहा है। ओके, मैंने इसकी लेंथ को L1 मान लिया है, मैंने इसकी लेंथ को L1 मान लिया है और इसकी लेंथ को मैंने L2 मान लिया है। अब दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, कोई भी वायर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड वायर इक्वल होगा। ओके, यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा पाई आर स्क्वायर एच, मैंने पाई लिखा, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो डायमीटर अगर 2R है तो रेडियस आर होगी आर स्क्वायर एच, एच मतलब हाइट और हाइट मतलब ये लेंथ है L1 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ भी मैं पाई आर स्क्वायर एच लिखूँगा, मैंने पाई लिखा, अब मैं रेडियस लिख दूंगा इसकी। अगर इस वायर का डायमीटर R है तो रेडियस R अपॉन 2 हो जाएगी, R अपॉन 2 का स्क्वायर लिख दोगे आप, और इनटू हाइट, हाइट मतलब ये लेंथ, तो लेंथ है L2, ठीक है जी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर इनटू L1 इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इनटू L2। पाई आर स्क्वायर यहाँ से और पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आप देखें L1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो L2 की वैल्यू आ रही है 4 इनटू L1। ओके, मतलब ये जो दूसरे वाले वायर की लेंथ है ये पहले वाले वायर की लेंथ का 4 टाइम्स, मतलब ये L2 4 इंटू L1 के इक्वल आ गया, ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। चलिए, तो लेंथ के बारे में पता लग गया, डायमीटर अगर पहले का 2R है तो हाफ हो गया है, मतलब R हो गया है, और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस है यह है 5 ओम, और सेकेंड केस का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये कॉपर वायर है, स्ट्रेच होने के बाद भी तो ये कॉपर ही रहेगा। किसी वायर को स्ट्रेच अगर करोगे आप तो वो कॉपर से एल्युमिनियम तो नहीं बन जाएगा, सिल्वर तो नहीं बन जाएगा। तो अगर ये कॉपर यहाँ पर है तो यहाँ भी ये कॉपर होगा। तो अगर दोनों वायर्स कॉपर हैं तो दोनों ही केसेस में रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी वायर के मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर दोनों वायर्स कॉपर के हैं तो रेजिस्टिविटी सेम, अगर एक कॉपर का होता दूसरा एल्युमिनियम का होता तब रेजिस्टिविटी उनकी डिफरेंट होती। तो मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेकेंड आर सेम, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ लिखते हैं। यहाँ R1 लिखेंगे, A1 लिखेंगे, L1 लिखेंगे, यहाँ R2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, L2 लिखेंगे। यहाँ इस सेकेंड केस की बात हो रही है, यहाँ फर्स्ट केस की बात हो रही है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब मैं कॉपी करता हूँ R1, फर्स्ट रेजिस्टेंस 5 ओम था, एंड एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई आर स्क्वायर लिखोगे, पाई आर स्क्वायर रेडियस, डायमीटर अगर 2R है तो रेडियस R होगी, तो आर स्क्वायर लिख दो आप, अपॉन लेंथ, तो पहले केस में लेंथ है L1, ठीक है ना। इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड केस में आते हैं, देख लो लेंथ 4L1 मुझे लिखनी है सेकेंड केस में, क्योंकि सेकेंड केस की जो लेंथ है वो L1 का 4 टाइम्स है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा R2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, A2 मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई लिखूँगा मैं, और रेडियस लिखूँगा। सेकेंड केस में जो डायमीटर था वो R था, इसका मतलब रेडियस R अपॉन 2 रहेगी, R अपॉन 2 का स्क्वायर कर दोगे,
अपॉन लेंथ, तो जो लेंथ है ये 4 टाइम्स ऑफ L1 है। आप L2 लिख दो या 4L1 लिख दो, 4L1 लिख दो, सेम बात है। आई होप ये क्लियर है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वायर का वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि किसी भी वायर को अगर आप सपोज ये वायर है और इस वायर को आप यहाँ से देखोगे ना तो हमेशा एक सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, तो इसी एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वी हैव गॉट 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये 4, ये जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, ये नीचे आ जाएगा, और ये है 4L1। अभी L1 हो गया कैंसिल, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ है 5 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 16, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 80 ओम। तो वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे और उसके डायमीटर को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस उसका 5 से चेंज होकर 80 बन जाएगा। आई होप यू हैव गॉट दिस।